हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री कोर्स सिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि जैक्सन के प्रजातंत्र पर एक निबंध लिखें अथवा जैक्सोनियन प्रजातंत्र पर प्रकाश डालें अथवा जैक्सन के प्रशासन काल में लोकतांत्रिकरण के विकास पर प्रकाश डालें। तो इन तीनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। तो चलिए हम इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। जैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के सातवें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1829 से 1837 तक संयुक्त राज्य के सातवें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यानी कि जैक्सन जो था संयुक्त राज्य अमेरिका के सातवें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1829 से लेकर 1837 तक राष्ट्रपति के पद पर रहा था। उन्होंने दो बार राष्ट्रपति पद के चुनाव जीतकर चार चार वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया। यानी कि जैक्सन जो है दो बार राष्ट्रपति पद पर रहा था। वह एक राजनेता और सैनिक नेता दोनों थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध युद्ध लड़े और जीत भी हासिल की। जैक्सन के बारे में कहा जाता है कि वह एक सैनिक और राजनेता दोनों थे। पहले इन्होंने सैनिक के कार्य किए और फिर आगे चलकर इन्होंने राजनेता के रूप में कार्य किया। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध युद्ध किया था और इन्हें उसमें जीत भी हासिल हुई। जैक्सन ने अमेरिका के केंद्रीय सरकार को मजबूत किया। अमेरिका में अधिकतर कुलीन वर्ग के ही लोग राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होते थे, लेकिन जैक्सन एक आम व्यक्ति होते हुए भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। इनके लिए यह सबसे बड़ी गौरव की बात थी। जैक्सन के बारे में कहा जाता है कि शुरुआती दौर में इन्होंने केंद्रीय सरकार को मजबूत बनाने का प्रयास किया। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका में जो है अधिकतर कुलीन वर्ग यानी जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वही राष्ट्रपति बनते थे, लेकिन जैक्सन एक आम व्यक्ति होते हुए भी अमरीका के राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। इनके लिए यह सबसे बड़ी गौरव की बात थी। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, जैक्सन के राजनीतिक जीवन। जैक्सन प्रारंभ में अपने राज्य दक्षिण कैरोलिन की संवैधानिक सभा का सदस्य था और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। जैक्सन के बारे में कहा जाता है कि शुरुआती दौर में वह दक्षिण राज्य जो है कैरोलिन का संवैधानिक सभा का एक सदस्य था और यहीं से जो है इनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। यह कहा जाता है कि जैक्सन को राजनीतिक जीवन की अपेक्षा में सैनिक जीवन अधिक पसंद था। यानी कि जैक्सन बताते हैं कि उनको राजनीतिक जीवन से अधिक पसंद सैनिक जीवन है, जिसके कारण स्थानीय सेना में भर्ती हो गया। इसके बाद उसने कई स्थानीय पदों पर बहुत समय तक कार्य किया। जैक्सन ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया था जिसके कारण उसकी गिनती महान विजेता के रूप में होने लगी थी। जैक्सन के बारे में कहा जाता है कि इन्हें राजनीतिक से अधिक पसंद सेना में था जिसके कारण इन्होंने स्थानीय सेना में भर्ती हो गया। 1821 में उसे फ्लोरिडा का सैनिक गवर्नर बनाया गया तथा 1823 में सीनेट का सदस्य निर्वाचित किया गया। 1824 ईस्वी में उसे राष्ट्रपति पद के लिए सबसे अधिक मत वोट मिले, लेकिन एडम्स और इसके सहयोगी की साजिश के कारण जैक्सन को कांग्रेस में विजय नहीं मिल सका। जैक्सन के बारे में कहा जाता है कि 1824 ईस्वी में उसे राष्ट्रपति पद के लिए सबसे अधिक वोट मिला था, लेकिन जो है इसका जो सहयोगी था एडम्स, उनके साजिश के कारण यह राष्ट्रपति नहीं बन पाया। लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद 1828 ईस्वी में एडम्स को हराकर और जैक्सन राष्ट्रपति बना। इस प्रकार से अमेरिका के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब लोकतंत्रवादी जनता अपना सबसे प्रिय प्रतिनिधि को राष्ट्रपति पद पर बैठा सकी। यानी कि जैक्सन जब 1828 ईस्वी में एडम्स को हराकर राष्ट्रपति बना तो यह पहली बार अमेरिका में हुआ जो आम आदमी राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। तो इस प्रकार से जो है लोकतंत्रवादी जनता द्वारा सबसे प्रिय प्रतिनिधि जो था वो था जैक्सन। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, विशेषाधिकार वर्ग का विरोध करना। जैक्सन जब राष्ट्रपति बना उसके बाद समाज में जिसको विशेष अधिकार मिल रहा था उनका इन्होंने विरोध किया। जैक्सन राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद जो पहला कार्य किया हुआ था कैबिनेट के पदों के लिए अपने अनुसार व्यक्तियों को इकट्ठा करना।
जैक्सन राष्ट्रपति जब बना उसके बाद इनका पहला कार्य था कैबिनेट के पदों के लिए अपने अनुसार से व्यक्तियों को इकट्ठा करना। जैक्सन के राष्ट्रपति बनने के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। अभी तक राष्ट्रपति कुलीन वर्ग के होते थे, किंतु जैक्सन पहला व्यक्ति था जो आम आदमी होते हुए भी राष्ट्रपति बना था, इस मुकाम तक पहुंचा था। आने की इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ जब एक आम नागरिक अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इससे पहले जो है अमेरिका में जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, वही राष्ट्रपति बनते थे, लेकिन यह पहली बार हुआ कि जैक्सन आम आदमी होते हुए भी अमेरिका का राष्ट्रपति बना था और इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा था। अमेरिका में जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था उस वर्ग का इन्होंने विरोध किया, यानी कि अमेरिका में कुलीनों को जो है विशेष अधिकार प्राप्त था तो इन्होंने उसका जमकर विरोध किया और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान बताया। उसने सार्वजनिक पदों पर अपने दो मित्र को युद्ध सचिव और पोस्ट मास्टर जनरल पद पर नियुक्त किया। लगभग 10% अधिकारियों को नौकरियों से हटाया और अपने समर्थकों को नियुक्त किया। इस प्रकार से अब मंत्रिमंडल में या राजनीतिज्ञ में आम जनता भी शामिल हुई। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब जैक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति बना उसके बाद इन्होंने कुछ अपने सहयोगियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और लगभग 10% अधिकारियों को नौकरियों से हटा दिया और अपने समर्थकों को नियुक्त किया। इस प्रकार से जो है अब मंत्रिमंडल में राजनीतिक में जो है आम नागरिक भी शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है जैक्सन द्वारा राज्यों के अधिकारों में वृद्धि करना। जैक्सन के राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय सरकार को मजबूत बनाने पर अधिक ध्यान दिया था, यानी कि जैक्सन जो है जब राष्ट्रपति नहीं बना था उस समय केंद्रीय सरकार को मजबूत बनाने पर जोर दिया था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने पर जोर दिया था। किंतु जैक्सन का विचार उन लोगों से अलग था, वह आम व्यक्तियों और राज्यों के अधिकारों का समर्थक था। जैक्सन जो था वह राज्यों और आम नागरिकों के समर्थक था, जिस कारण वह चाहता था कि राज्य को अधिक अधिकार मिले ताकि राज्य स्तर पर विकास हो सके। जैक्सन जो है वह चाहता था कि राज्य स्तर पर अधिक शक्ति दिया जाना चाहिए ताकि जो है सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और राज्य में विकास हो सके और इससे आम जनता की सहायता हो सके। इस बात का प्रमाण यह है कि उसने राष्ट्रीय बैंक से सरकारी धन निकलवा कर राज्यों के बैंकों में जमा कराया, यानी कि इन्होंने राज्य स्तर पर विकास करने के लिए राष्ट्रीय बैंक से जो है सरकारी धन को निकलवा कर और राज्यों के बैंकों में जमा करवाया, जिसके कारण यह माना जाता है कि जैक्सन ने राज्यों के अधिकार में वृद्धि करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है संयुक्त राज्य के बैंकों का विनाश। जैक्सन का यह विचार था कि संयुक्त राज्य बैंक आम जनता के हितों की रक्षा करने में असफल रहा है। यह बैंक राज्य के हितों की उपेक्षा करता है। उपेक्षा करना मतलब नज़रअंदाज करना, यानी यह बैंक राज्य के आम जनता के हितों के लिए कार्य नहीं करती है, जिसके कारण जैक्सन ने 1832 में संयुक्त राज्य बैंक को बंद करवा दिया। इसमें यह कहा गया है कि जैक्सन का विचार था कि संयुक्त राज्य बैंक आम जनता के हितों की रक्षा करने में असफल है, जो आम नागरिक है उनकी रक्षा कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इन्होंने जैक्सन ने राज्य स्तर पर बैंकों को बढ़ावा दिया ताकि जो है राज्य में विकास हो सके और यहाँ पर जो है आम जनता के हितों के लिए कार्य किया जा सके। और इस प्रकार से जो है जैक्सन ने 1832 में संयुक्त राज्य को बंद करवा दिया और राज्य स्तर पर कई बैंकों को स्थापित किया ताकि आम नागरिकों को इनसे लाभ हो और आम नागरिक जो है राज्य स्तर पर विकास कर सके। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है संघ की उपलब्धि। जैक्सन की एक अन्य उपलब्धि संघ की रक्षा है। उसके शासनकाल में पहली बार संघ के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया। 1828 में भेड़ पालने वाले की सहायता के लिए जो शुल्क अधिनियम पारित किया गया था उसका दक्षिण कैरोलिन ने कड़ा विरोध किया था। कपास पैदा करने वाले दक्षिण कैरोलिना और दक्षिण के कुछ अन्य राज्य इन कानून की अन्यायपूर्ण मानते थे, यानी कि जैक्सन की एक आयन उपलब्धि जो थी वो संघ की रक्षा करना था। उसके शासनकाल में जो है पहली बार संघ के अस्तित्व को खतरा पैदा हुई, क्योंकि 1828 ईस्वी में जो है भेड़ पालने वाले की सहायता के लिए इन्होंने जो शुल्क अधिनियम पारित किया था उसका जो है दक्षिण के कैरोलिना राज्य था उन्होंने इनका कड़ा विरोध किया। जैक्सन ने इस अधिनियम में कुछ संशोधन करके इन राज्यों के लोगों का असंतोष को दूर करने का प्रयास किया, यानी कि जब
उस अधिनियम का विरोध लोगों ने करने लगा, तो जैक्सन ने क्या किया, इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया। संशोधन करना मतलब सुधार करना होता है, तो संशोधन करके और राज्यों के सभी लोगों का असंतोष की भावना को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं हुए और उसने 1832 के पारित किए गए सीमा शुल्क अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा फरवरी 1833 में करों की वसूली रोक दी गई। यानी कि जैक्सन ने जो सीमा शुल्क अधिनियम लागू किया था उनको जो है यहाँ के नागरिकों ने जमकर विरोध किया। उसके बाद जो है जैक्सन ने उस अधिनियम में कुछ संशोधन किया, कुछ सुधार किया, फिर भी यहाँ के लोगों का जो असंतोष की भावना थी वह दूर नहीं हो सका, जिसके बाद जो है 1832 में पारित किए गए सीमा शुल्क अधिनियम को वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने असंवैधानिक करार दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक अधिनियम नहीं है। और फरवरी 1833 में जो है जो सीमा शुल्क कर दिया जाता था तो उनके वसूली को इन्होंने रोक दिया। जैक्सन ने इसकी निंदा की और यह दावा किया कि इस मामले को संघीय सरकार के अधिनियम को रद्द करने का हक राज्य सरकार को नहीं है। दक्षिण कैरोलिना से कानून का पालन करवाने के लिए जनवरी 1833 में जैक्सन ने बल विधेयक पारित करा लिया। यानी कि जब सीमा शुल्क अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया उसके बाद जो है जैक्सन ने इसकी निंदा की और यह दावा किया कि जो संघीय सरकार ने जो अधिनियम को लागू कर दिया है उस अधिनियम को राज्य सरकार को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। इस विधेयक ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया कि करों की वसूली के लिए वह नौसेना व रक्षा सेना का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार से जैक्सन ने संघ की उपलब्धि को बनाए रखने में सफलता पाई। इस विधेयक के द्वारा यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया कि जो है इस कानून को पालन करवाने के लिए वह सेना तथा नौसेना का सहारा ले सकता है, जिससे इन्होंने अब सभी राज्यों को आसानी से यह कानून, यह अधिनियम को पालन करवा सका। इस प्रकार से इन्होंने संघ की उपलब्धि को बनाए रखा और इन्हें इन क्षेत्रों में सफलता मिली। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है जैक्सन के विदेश नीति। विदेशी नीति के मामले में भी जैक्सन ने एक अलग दृष्टिकोण व नए नीति को अपनाया। उसने इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। यानी अगर हम जैक्सन की विदेश नीति की बात करें तो इन्होंने विदेश नीति के मामले में यह किया कि जो विदेशी राज्य थे उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित कर लिया ताकि जो विवाद है उन विवाद को समाधान किया जा सके। ब्रिटेन के साथ उनका सीमा संबंधी विवाद था जिसको निपटाने के लिए जैक्सन ने ब्रिटेन के साथ समझौते की नीति को अपनाया और इस प्रकार से ब्रिटेन से सीमा विवाद को निपटारा कराया। फ्रांस के साथ क्षतिपूर्ति के दावे का प्रश्न 1815 से लटका पड़ा था। इसका निपटारा करने के लिए जैक्सन ने 1831 ईस्वी में फ्रांस के साथ संधि कर लिया। जैक्सन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी रुचि दिखाई। उसने एडवर्ड रॉबर्ट्स नामक एक व्यापार विशेषज्ञ को अन्य क्षेत्रों में भेजा वहाँ की कूटनीति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, ताकि व्यापार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। यानी कि जैक्सन ने अपने एक अधिकारी को अन्य विदेशी राज्य भेजा ताकि वहाँ के जो व्यापार के प्रतिनिधि है उनका पता लगा सके और वहाँ व्यापार कर सके ताकि उन्हें अधिक लाभ हो। इस प्रकार से जैक्सन ने व्यापारिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। यदि जैक्सन किसी भी के बारे में एक बार निश्चय कर लेने के बाद वह अपने पक्ष से हटने का नाम नहीं लेता था। जैक्सन के बारे में कहा गया है कि जो जैक्सन था उन्होंने अगर किसी भी चीज़ को एक बार ठान लिया तो उस चीज़ को किए बिना वह रुकता नहीं था, चाहे उसे कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि यदि लोकतंत्र का कोई सच्चा व्यक्ति था तो वह था जैक्सन। वह जनता और जनहित का प्रतीक था। इसकी गणना लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में लिंकन और रूजवेल्ट के साथ की जा सकती है। इसके काल में प्रजातंत्र का विस्तार हुआ। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई सच्चा राष्ट्रवादी नेता था तो वो था जैक्सन। जैक्सन के बारे में कहा गया है कि वह जो है एक लोकप्रिय राष्ट्रपति था जिनका जो है तुलना लिंकन और रूजवेल्ट के साथ किया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। पहला है कि जैक्सन राष्ट्रपति कब बना था।
तो जो है 1829 ईस्वी में बना था। दूसरा है कि जैक्सन किस पार्टी से संबंधित, तो इसका राइट आंसर होगा डेमोक्रेटिक दल। तीसरा है कि जैक्सन के अनुसार लोकतंत्र का आधार स्तंभ में नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा सामंत। चौथा क्वेश्चन है कि पेरिस की शांति संधि कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैक्सन का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जैक्सन का मृत्यु भी कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1845। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंड्रयू जैक्सन। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जैक्सन का जो पूरा नाम था वो था एंड्रयू जैक्सन। 8वां क्वेश्चन है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एंड्रयू जैक्सन और इनके समर्थक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1791 ईस्वी में। तो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगर 50+ क्वेश्चन का PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है वहाँ पर आप जाके ले सकते हो। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, इसलिए मैं आपसे केवल एक लाइक और एक सब्सक्राइब का उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।